हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होममेड बाय होममेकर पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना तले बिना छाने लौकी के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। हमारे इस लौकी के कोफ्ते को ट्राई करिएगा और हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आधा किलो लौकी को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इसमें हम एक कप बेसन मिला लेंगे, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, 4 टेबल स्पून हम इसमें आयरन मिला लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर मिला लेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स मिला लेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कप पे स्टैंड लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसे हम पलट कर दोनों साइड में अच्छे से पका लेंगे। इसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा कप अच्छे से पक गया है। इसे अब हम इसी स्टेज पे निकाल लेंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जीरा को हम लाल मिर्च तक भून लेंगे। अब इसमें हम 4 प्याज काटे हुए हैं, इसको भी अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। अब यहाँ पे हम 5 उबले हुए आलू लिए हैं, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। आलू को हम निकाल लिए हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये सबको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम अपना पेस्ट मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, तो बढ़िया तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी आलू को डाल देंगे। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 1 कटोरी पानी डाल देंगे, 2 चम्मच नमक डाल देंगे। इसको हम उबलने तक ढक के पका लेंगे। ग्रेवी हमारी बन गई है। अब हम इसमें कोफ्ते को अपने डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। लौकी के कोफ्ते बनके तैयार हो गए।